केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए किसान विरोधी कृषि बिल के खिलाफ आज संगरूर में किसानों और आरटीओ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंक कर नारेबाजी की। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन राज्यवाल के हरजीत सिंह मंगवाल और अन्य आरटी नेताओं ने संबोधन किया। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पास किए किसान विरोधी बिल के खिलाफ यूथ कांग्रेस की ओर से आज मोहाली से ट्रैक्टर रैली को स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू द्वारा झंडी देकर रवाना किया गया। ये रैली जीरकपुर डेराबसी के द्वारा दिल्ली जाएगी। श्रोमणी अकाली दल के राज्यसभा सदस्य नरेश गुजराल ने राज्यसभा में कृषि संशोधन बिल में बहस के दौरान बोलते हुए कहा कि श्रोमणी अकाली दल खेती कृषि संशोधन बिल के खिलाफ किसानों के साथ है। पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और किसान जीरकपुर में दिल्ली चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहुंच गए हैं। बता दें कि जीरकपुर से दिल्ली के लिए ये ट्रैक्टर रैली में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। कृषि विधेयक के खिलाफ किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंक कर फिरोजपुर फाजिल का मुख्य मार्ग जाम कर धरना लगाया। इस दौरान वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य प्रताप सिंह बाजवा ने कृषि विधेयकों पर राज्यसभा में बोलते हुए कहा कि कांग्रेस इन गलत धारणाओं और बुरे समय में लाए बिलों को रद्द करती है। ये बिल हिंदुस्तान और विशेष तौर से पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के जमींदारों के खिलाफ है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 92,605 नए मामले सामने आए और साथ ही साथ 1,133 लोगों की मौत हो गई। आईपीएल 2020 के टी20 लीग का दूसरा मुकाबला आज दुबई में दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच 7:30 बजे होगा। बठिंडा जिले के रामा मंडी में भारतीय किसान यूनियन लखोवाल के राज्य नेता रामकरण सिंह रामा के नेतृत्व में किसानों द्वारा कृषि ऑर्डिनेंस की प्रतियां फूंकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंक रोष प्रदर्शन किया गया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज राज्यसभा में कृषि विधेयक पेश किया। बता दें कि लोकसभा में ये बिल पास हो चुका है।